नहीं तो अंदर भयंकर रूप विकराल करता है। अभी दो कंप्लीट हुई, एक हुई बुखार, दूसरी हो गई दस्त, अब तीसरा वोमिटिंग। अब वोमिटिंग का क्या है लफड़ा, ये समझ लीजिए, ये आपका नीचे से पोर्शन ब्लॉक हो गया है और यहाँ आपने भोजन खाया, पेट में पड़ा है, पेट ने नीचे भेजने का कोशिश की, नहीं जा रहा, ये हमें बचाने के लिए वापस रिफ्लेक्ट करके निकाल दिया। तो इलाज है, दो गिलास पानी पी के या तीन गिलास गर्म पानी कुंजल करके बाहर निकाल लो, नींबू चूस लो, उल्टियां बंद, पेट पे ठंडे पानी की पट्टी रखो, बढ़िया एनीमा दे दो, बढ़िया, ये आपका उल्टी का ट्रीटमेंट। ओके, बंद खाना कुछ कुछ नहीं, उसमें ओआरएस दे सकते हैं, ओआरएस का घोल दे सकते हैं, कोई पानी तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीसरा आपका बंद हो गया, अब आप आ जाइए चौथे पे, चौथा कौन सा है, असहनीय पीड़ा, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, छाती के बाईं साइड दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी अगर असहनीय पीड़ा है, डॉक्टर के पास जाएंगे क्या, केवल पेन कूलर के अलावा कुछ नहीं देगा, उसका कितना साइड इफेक्ट है वो आप खुद समझ रहे हैं। अब आपको समझना है नेचुरल पेन कूलर कौन से हैं और नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है कि तुरंत आपको राहत मिले। सपोज एक उदाहरण से लेते हैं, पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, अब अपन को यहां पर ट्रीटमेंट देना है केवल सिकाई, सिकाई सेक, सेक तीन प्रकार का होता है, एक होता है ठंडा, दूसरा होता है गर्म और तीसरा होता है गर्म ठंडा। अब कौन सा देना है, उल्टा मत कर देना, देना है ठंडा और दे दिया गर्म और दर्द बढ़ जाएगा, देना है गर्म दे दिया ठंडा या गर्म था, ये तीनों समझना, ये ही आपकी डॉक्टरी है और सरल है, बहुत सरल है। क्या करना है, पेट में दर्द है, ये अपना हाथ महान डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप है, पेट पे हाथ लगा के देख लीजिए, अगर गर्म है तो ठंडे पानी की पट्टी माना डुबो करके यहां रखिए, तुरंत 5-10 मिनट में आपका दर्द रियल में कम हो जाएगा। क्यों, कि यहां पर जो गर्म है माना ब्लड की सप्लाई बहुत अति है, जैसे ही ठंडा रख दिया कॉन्ट्रेक्शन हो गया, ब्लड वहां से चला गया और तुरंत आपको राहत दे दिया। और अगर हाथ लगाने से मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत ही ठंडा बर्फ जैसा लगा पड़ा है और दर्द है, तो गर्म पानी का तौलिया डुबा करके रखिए, तो ब्लड जो यहां पर सप्लाई नहीं हो रही थी वो खींच के आए, गर्म से ब्लड खींच के आता है, ठंडे से वापस चला जाता है, गर्म दीजिए। परंतु हाथ लगाने से मालूम पड़ रहा है कि न गर्म है न ठंडा है, तो क्या करना है, और दर्द है तो गर्म और ठंडा, फिर ऐसे दो बर्तन लेने पड़ेंगे, एक नहीं दो, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, दोनों में एक एक तौलिया डुबाओ, गर्म पानी वाला तौलिया लेट करके 3 मिनट यहां लगाना है, फिर वो हटा के 1 मिनट ठंडे पानी का, फिर हटा करके 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, ये इससे भी कर सकते हैं और गर्म पानी की थैली से भी कर सकते हैं। दिखा देता हूं मैं इसका फोटो, तीन मिनट ठंडा 1 मिनट गर्म, हाँ 3 मिनट ठंडा 1 मिनट, ये देखो जैसे ही कर रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये गर्म पानी थैली है, ये आइस पैक है, अगर किसी का पैसे अच्छे हैं तो ले सकता है, परंतु मैं तो वहां पर वो पद्धति बता रहा हूं, एक उदाहरण से बताऊं, सच्चा उदाहरण वो सुन लीजिए। एक व्यक्ति था बहुत ही बेचारा गरीब था, वो खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं था, वो इधर उधर मार के खाता था, उसको पेट में दर्द हुआ, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को चेंबर में बोले डॉक्टर साहब मेरे को दर्द हो रहा है, कोई दवाई लिख के दो, डॉक्टर ने बोला वो रिसेप्शन पे पैसे जमा कर दो पर्चा बना के ले, उसने बोला साहब मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ, बोले हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं, खूब रिक्वेस्ट की,
बेचारा निराश होकर नीचे उतर, जैसे नीचे उतर देखा साइड में एक मेडिकल स्टोर है, उनको बोला पेट में दर्द है कोई दवाई दे दो, उसने निकाल के काउंटर पे दे दी, इसने उठा ली, बोले पैसे नहीं है, उसने दवाई वापस उठा कर काफ़ी रिक्वेस्ट कर नहीं दिया, तो वहाँ से निराश हो जाता, क्या ये पेशेंट ठीक नहीं होगा, क्या प्रकृति का ऐसा अन्याय है, जरूर ठीक होगा और दवाई से पहले ठीक होगा, ये उसके रास्ते हैं। ये 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म ठंडा, टोटल 3 राउंड करने हैं, 4 मिनट का 1 राउंड है, 12 मिनट करना है, और गर्मियों में 2 मिनट ठंडा, 2 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 2 मिनट गर्म, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है, और ये सिर्फ पेट के लिए लागू नहीं है, कमर में दर्द है तो कमर में, घुटने में दर्द है तो घुटने में, कंधों में दर्द है तो कंधों में, कहीं भी हो, बस सिर में केवल ठंडा ट्रीटमेंट देना, उसमें गर्म नहीं करना, ये ध्यान देना, ओके। आगे बढ़े, अब लास्ट आता है एक्यूट डिजीज का, असहनीय।